えっ<ス> हाँ जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है हाँ जी गुड इवनिंग प्रीति जी आवाज मेरी सुनाई दे रही है सबको ग्रेट अगर आवाज आ रही है हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल पर जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो आज हमारा सेशन है वो एच पी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सेक्शन है उसको डेडिकेटेड रहेगा और आज के इस सेशन से शुरुआत कर रहे हैं हम एक बहुत ही लंबी सीरीज की जिसमें हम 500 हंड्रेड आने वाले सेशन में Uh, जितने भी हमारे आपका विंग सेशन होंगे उनमें तो टोटल 500 हंड्रेड क्वेश्चन हम सी डी पी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज से इस सेशन की शुरुआत हो रही है हफ्ते में तीन दिन ही आपका सेशन रहेगा जिसमें सी डी पी पढ़ाई जाएगी और बाकी तीन दिन बाकी जो हमारे आ, और सब्जेक्ट्स हैं जो टी जी टी कमीशन में जे बी टी कमीशन में और आपके एच पी टेट में आपका साथ देंगे या फिर आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो सेक्शन से रिलेटेड वो बाकी पढ़ाए जाएंगे जैसे कि जी एस है रीजनिंग है ठीक और आपके एच पी जी के है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं हमारे हर एक सेशन में चलते रहेंगे रोज ही आपके साथ एक सेशन लिया जाएगा जिसमें तीन दिन तो आपकी सी डी पी चलेगी बाकी तीन दिन आपके जो सेक्शंस हैं वो फेरी करते रहेंगे जैसे एक दिन रीजनिंग है एक दिन आपका एस पी जी के है एक दिन जी एस है ऐसे करके आपको ये पढ़ाया जाएगा क्लियर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत फ़ायदा दे इतना फ़ायदा दे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ईजिली सलेक्शन हो जाए यही मैं उम्मीद करता हूँ और हम पूरी कोशिश भी करेंगे कि जितना आपको पढ़ा दिया जाए उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले ठीक तो आपके लिए सिविल स्टेफ हिमाचल हमेशा ही तैयार है आपकी सहायता करने के लिए तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और काफ़ी मेरे साथी मेरे मित्र मेरे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सभी जितने भी ए, ए, एस्पिरेंट्स जितने भी आ, मेरे भाई मेरी बहन आ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करेंगे तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेलुएशन इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन जिसको सी सी ई के नाम से भी काफी स्टूडेंट्स जानते हैं तो सी सी ई में क्या इंक्लूडेड रहता है एक बार ऑप्शन हम देख लेंगे ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट बी ऑप्शन है हमारा ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड बी जो क्वेश्चन है हमारा वो है ओनली समेटिव असेसमेंट थर्ड इज नीद फॉर्मेशन फॉर्मेशन और समेटिव असेसमेंट ठीक इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिव uh, इसमें आना चाहिए था नीदे फॉर्मेटिव नॉन सबेटिव असेसमेंट एंड फोर्थ जो है हमारा वो है डी फॉर्मेटिव बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग सॉरी यूजिंग अ वाइड वरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज तो ये हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स की क्या है? इसका राइट आंसर होना चाहिए ठीक है हिंदी वाले स्टूडेंट भी एक बार देख लेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है क्या शामिल है इसमें आ, केवल रचनात्मक केवल रचनात्मक मूल्यांकन केवल आ, योगात्मक मूल्यांकन ना तो गठन और ना ही योगात्मक मूल्यांकन ठीक और फॉर्मेटिव और योगात्मक दोनों आंकलनों का उपयोग करते हुए रणनीतियों की एक विस्तृत विविधता चलिए जी इसका आंसर बताने की फटाफट से आंसर जैसे कि ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं उत्कर्ष ने इसका आंसर दिया है डी प्रीति शर्मा जी भी इसका आंसर दे रही है डी और करण कुमार जी भी इसका आंसर दे रहे हैं डी वेरी गुड बहुत ही बढ़िया तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का सबका कि ये जो हमारा इसका राइट आंसर होगा देखिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिवेल्युएशन जो है ठीक है इसमें दोनों ही इवेल्युएशन हमें देखने को मिलती है दोनों ही असेसमेंट हमें देखने को मिलेगी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी एंड सब्मेटिव असेसमेंट भी है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट uh, जो है वो आपकी स्टेप्स में चलती है जो थ्रू आउट द ईयर रहेगी ठीक कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि लगातार चलती रहेगी और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है कि सारे एरियाज में होंगी ठीक है उसके एकेडेमिक्स में भी होंगी उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी होंगी ठीक है उसकी आर्ट एक्टिविटीज में भी होंगी हर किसी चीज में दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव ठीक तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन में दोनों ही तरह के जैसे फॉर्मेटिव जो है जैसे आपके एफ ए वन एफ ए टू ये आप लोग देखते होंगे स्कूल्स में है ना तो ये आपकी आ, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशंस में जो आपकी एवेल्यूशन चलेगी वो है और सबमेटिव जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी रहेगी तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन में आपकी दोनों ही रहेंगी फॉर्मेटिव और सब्मेटिव असेसमेंट दोनों ही तरह की होगी क्लियर तो राइट ऑप्शन जो है हमारा वो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा तो काफी स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया हाँ जी मंजू शर्मा जी गुड इवनिंग वेरी वे, वे, गुड इवनिंग चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इंटू डोमेन्स सच एस जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है ठीक तो इसके फोर डिफरेंट डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं देखिए ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने सेशंस में तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा और जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते होंगे काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आसान सा क्वेश्चन है तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा चलिए जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन टू डोमेन्स सच एस कौन कौन से हैं फिजिकल काग्नेटिव इमोशनल एंड सोशल उसके बाद है इमोशनल काग्नेटिव स्पिरिचुअल एंड सोशल सोशल साइकोलॉजिकल उसके बाद है साइकोलॉजिकल काग्नेटिव इमोशनल एंड फिजिकल फिर है फिजिकल स्पिरिचुअल कागनेटिव एंड सोशल देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए हाँ जी बहुत ही बढ़िया ए आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे रहे हैं नेहा का आंसर ए आया है मंजू शर्मा का आंसर ए है महिमा का भी आंसर ए है एंड प्रीति शर्मा का भी आंसर है देखिए जो स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते तो आप ऐसे याद रख लेंगे एक सब्जेक्ट होता ना, है ना हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पी है ना ये हम बड़ा पढ़ते हैं पी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री है ना ऐसे करके है ना तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो पी में अगर आप ई e एड कर दे पी है ना पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पी सी एस ई ऐसे याद रख लिए पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पी सी एस ई ये ऑर्डर याद रख लेंगे पी से होगा हमारा फिजिकल ठीक सी से होगा कॉग्नेटिव और एस से होगा हमारा सोशल एंड ई से होगा हमारा क्या इमोशनल ठीक तो ये हमारे जो डिफरेंट जिसको कह सकते हैं कि हमारे डोमेन्स हैं फोर डिफरेंट डोमेन तो पी सी एस से याद रख ले कि पब्लिक सर्विस पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल एंड इमोशनल ये चार तरह के जो हैं आपके डोमेन्स आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट हाँ जी श्वेता डोगरा का भी आंसर बिल्कुल सही है करण कुमार का भी आंसर सही है उत्कर्ष तुल्यान का भी आंसर बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया ठीक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखते रहेंगे कि उनके जो जो भी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा शारीरिक है संज्ञानात्मक है संवेगात्मक है और सामाजिक है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ठीक निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है तो चार ऑप्शन हैं हमारे पास फर्स्ट इज इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल सभी की विकास दर समान नहीं होती ठीक उसके बाद कहते हैं डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर कि जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास हमेशा रेखी होता है इट फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखिए डिस्कॉन्टिन्यूस तो होता ही नहीं है ठीक है ना डेवलपमेंट तो हमने पहले ही पढ़ा है कि डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूस है तो ये तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया हमारा फिर कहता है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड देखिए ये भी गलत है क्योंकि सारे प्रोसेसर जो होते हैं वो प्रोसेसर्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं कि दो ऑप्शन तो यहाँ से खत्म हो गए तो इसका राइट right आंसर क्या होना चाहिए चलिए बताइए वैसे तो मैंने काफी इजी बना दिया है इस क्वेश्चन को आपके लिए फिर भी देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे क्या क्या बात है बहुत ही बढ़िया ठीक देखिए एक चीज़ जो है डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में सेम हो ठीक और जरूरी नहीं है कि हर स्टेज पे सेम हो सकता है किसी स्टेज पे डेवलपमेंट बहुत तेज है है ना जैसे हम बात करें क्या कि जो हमारा प्री चाइल्डहुड है प्री चाइल्डहुड है उसमें हमारी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी तेजी से होती है प्री चाइल्डहुड में लेकिन जैसे ही हम लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं ठीक तो डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है ठीक तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेज में जो डेवलपमेंट की पेस सेम हो तो इसकर के इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल सभी की विकास दर समान नहीं होती क्लियर तो ये इसका राइट आंसर होगा अभी तक किसी स्टूडेंट ने गलत आंसर एक भी नहीं दिया है इसका मतलब आप लोग बहुत डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड बहुत ही अच्छा ठीक है अप्रिशिएटेबल है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप क्लियर तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं कि वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने जो पियर ग्रुप है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनको लगता है कि वही हमारे सगे हैं तो ये हमने पढ़ा हुआ था ठीक कि कौन सा ऐसा होता है अर्ली चाइल्डहुड है चाइल्डहुड है एडोलेसेंस है या फिर एडल्टुड है ठीक पूर्व बाल्यावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था एंड अवस्था तो दोनों चारों में से कौन सा हमारा जो राइट आंसर होगा चलिए हाँ जी बी आंसर दिया जा रहा है चाइल्डहुड चाइल्डहुड दिया जा रहा है ठीक हाँ जी ए भी आंसर दिया जा रहा है मीना शर्मा जी कह रही है ए है प्रीति जी कह रही हैं बी है विपिन ठाकुर कह रहे हैं बी है, है। चलिए और स्टूडेंट्स भी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है हमारी लाइफ की ठीक जिसमें जो बच्चा है अपने पेयर ग्रुप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है ठीक है उसकी तरफ एक्टिव मेंबर बन जाता है उसको ऐसा लगता है कि यही मेरे सगे हैं बाकी कोई मेरा कुछ नहीं है ठीक तो देखिए चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता है चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है ठीक उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मतलब नहीं होता लेकिन बच्चा जैसे ही अपने एडोलेसेंस एज में यानी कि किशोरावस्था में पहुंचता है ठीक तो वो उस वो अपने जो पेयर ग्रुप है उसका एक एक्टिव मेंबर बन जाता है वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है आपने देखा भी होगा कि जब हम एडोलेसेंस एज में जाते हैं तो हम अपने दोस्तों के लिए बड़े वफादार होते हैं हमें लगता है कि घर वाले बेशक नाराज़ हो जाए दोस्त नहीं नाराज़ होना चाहिए हमारा ठीक तो ये है हमारी अडोलेसेंस एज तो एडोलेसेंस में आ, क्या होता है कि एक जो बच्चा है ठीक वो क्या बन जाता है एक एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने पीयर ग्रुप का ठीक तो उसको लगता है कि मेरे दोस्त सही हैं बाकी सब गलत है तो वो उसको कभी नाराज़ नहीं करेगा दोस्त को खुश रखने के लिए अपने घर वालों को तंग कर सकता है लेकिन दोस्त को कभी तंग नहीं करेगा तो इसका जो राइट right आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका सी यानी कि अडोलेसंस अगर हिंदी में इसकी बात करें तो किशोर अवस्था जो है इसका सही उत्तर रहेगा चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों की रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए मतलब जब भी एक टीचर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने जाता है तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये होना ही चाहिए ठीक तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पिटेंस इन मैथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता क्लियर उसके बाद आता है कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज कि अति मानक भाषा में पढ़ाने में सक्षम उसके बाद है ईगरनेस टू टीच पढ़ाने की उत्सुकता और उसके बाद है पेशेंस एंड perseverance धैर्य और दृढ़ता तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होना चाहिए चलिए जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे कौन सा होना चाहिए हाँ जी क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया हाँ जी देखिए ये सब तो होनी चाहिए कॉम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ये तो होनी जरूरी है कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज ये जरूरी नहीं है ठीक कि हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है उसके बाद इगरनेस टू टीच ये भी जरूरी है लेकिन वो पूछ रहा है यहाँ पर उसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है देखिए तो अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं ठीक जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ी शैतानियाँ करते हैं है ना उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है तो एक प्राइमरी लेवल पे टीचर को सबसे बड़ी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए वो है उसकी पेशेंस ठीक एंड पर ऐसा ना हो कि वो एक दो दिन तो अच्छा पढ़ाए लेकिन उसके बाद अच्छा ना पढ़ाए ठीक तो प्रजेवरेंस भी जरूरी है और सबसे जरूरी बात जो है वो क्या है पेशेंस तो पेशेंस एंड प्रेवरेंस प्रजेवरेंस यानी कि धैर्य और दृढ़ता ये इसका सही उत्तर होगा ठीक तो जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी उन्होंने किया है सबका आंसर सही है अगर किसी का गलत भी हो तो कोई बात नहीं अभी हम सीख रहे हैं धीरे 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 हम बहुत कुछ सी में सीख भी जाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता रहेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं Which वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है देखिए चार दिए हैं फियर यानी कि डर अटेंशन यानी कि उत्तेजना यान कि ध्यान और स्मृति यानी कि मेमरी चलिए जल्दी से बताएंगे क्या सॉरी अटेंशन यानी कि ध्यान और स्टिम्युलस यानी कि उत्तेजना और मेमरी यानी कि स्मृति उल्टा हो गया थोड़ा सा ये ठीक तो बताएं कि इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा होता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये एफ ए एल से आप याद रख सकते हैं एफ ए एल एफ स्टैंड फॉर फियर ठीक ए स्टैंड फॉर एंगर ठीक एंड एल स्टैंड लाफ तो ये तीन इमोशंस होते हैं बच्चे में एफ ए एल ये याद रखेंगे एफ ए एल फियर एंगर लाफ ये तीन इमोशंस होते हैं बच्चे के अंदर ठीक है और कोई इमोशंस बच्चे के अंदर नहीं होते हैं. तो याद रखेंगे एफ ए एल फेल ठीक यानी कि फियर एंगर लाफ तो इनमें से कोई भी दूसरा नहीं है ये भी ऑप्शन नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, है, है. यानी कि शुड बी योर की जो डर है ठीक है वो एक संवेग है डर जो है वो एक संवेग है जी हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल विपिन ठाकुर सही कहा आपने ठीक तो ये हमारे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व ध्यान रखेंगे क्या पूछा इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इन्वॉल्व नहीं है लेसन प्लानिंग में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना से संबंधित नहीं है नहीं है याद रखेंगे ठीक तो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लेसन प्लानिंग में होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए है ना चलिए सबसे पहले आपका आंसर देखना चाहूंगा मैं आपका आंसर क्या आता है जैसे कि सुनील कुमार जी ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है हाँ जी चिरंजना जी ने भी आंसर दे दिया है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट बताएं नेक्स्ट क्या होगा आ, हाँ जी हाँ जी विपिन ठाकुर जी कह रहे हैं डी होना चाहिए नॉलेज ऑफ पीपल्स अच्छा हाँ ये भी हो सकता है और क्या हो सकता है चलिए जल्दी से बताएं जल्दी से लेसन प्लानिंग में और क्या नहीं होना चाहिए डी है बहुत ही बढ़िया ठीक देखिए लेसन प्लानिंग का ना लेसन प्लानिंग में क्या इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए जो इन्वॉल्व नहीं है ठीक तो वो है आपका क्या रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग कभी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही करना है ठीक है प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी कभी भी रिजेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आप रिजेड प्लानिंग लेकर क्लास में जाएंगे और बच्चे ने आपसे उससे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वहां पर फंस जाएंगे है ना तो आपकी लेसन लेसन प्लानिंग जो है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए कि मेरे को सिर्फ इतना ही पढ़ाना है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है वो फ्लेक्सीबल होना चाहिए कि अगर मौके पर मुझे कोई और मैथड भी अडॉप्ट करना पड़े तो मैं उस मैथड से भी पढ़ा दूँ तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका सी यानी कि योजना की दृढ़ता नहीं होनी चाहिए बाकी कुछ भी चलेगा लेकिन योजना की दृढ़ता नहीं होनी चाहिए तो सी शुड बी योर राइट आंसर नेक्स्ट है क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर यानी कि जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है वो क्या है डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन उसके बाद है कॉन्टेंट बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चन उसके बाद है अ हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम तो क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि बच्चा एक क्रिएटिव आंसर दे क्वेश्चन का तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है ठीक तो आई थिंक सबको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा आसान सा ही आंसर है ज़्यादा मुश्किल नहीं है श्वेता जी ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है विपिन ने भी आंसर दिया है महिमा चिरंजना सुनील कुमार सभी का आंसर जो है वो सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड बहुत अच्छे ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न अगर आप बच्चे से चाहते हैं कि वो एक क्रिएटिव आंसर दे आप उसके अंदर क्या चल रहा है इसको जानना चाहते हैं तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन का सहारा लेना होगा ताकि बच्चा खुद को इलेबोरेट कर पाए उसके अंदर जो भी है उसको बाहर निकाल पाए ठीक क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं देने हैं आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन से आप क्रिएटिव आंसर जो है वो लेकर आ सकते हैं तो राइट right आंसर हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड ठीक निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि जो इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस uh, में से कौन सा ऐसा साइन है जो नहीं है ठीक तो चार ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी फर्स्ट ऑप्शन है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर मतलब वह जो अरमूत अमूर्त होना चाहिए था रूप से सोचता है ठीक उसके बाद है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वन हु हैज एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग essays. देखिए एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी क्रैमिंग की बात आएगी तो वो नेगेटिव हो जाता है क्रैमिंग वाला ऑप्शन कभी भी आपका सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस चीज को याद रखेंगे तो जहां पर भी क्रैमिंग आई उस ऑप्शन को क्लिक करके आ जाओ ठीक तो इस करके इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सी सी जो है ये एक इंटेलिजेंट बच्चे के जिसको कह सकते हैं साइन नहीं है क्रैमिंग लीड्स टू फेलियर जैसे हम पढ़ते हैं रहते हैं अपने में कि क्रेमिंग नहीं जो जो है 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 वो फेलियर का कारण बनती ठीक <coughs> देखिए से बहुत बार आपको देखने को मिलते हैं और आपका जो HP, TGT है, उसमें भी कई बार माइंड मैपिंग से क्वेश्चन आया माइंड मैपिंग समझ लेंगे माइंड मैपिंग क्या होती है और सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेंगे माइंड मैपिंग रेफर टू क्या है ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ रिसर्चिंग फंक्शनिंग ऑफ़ माइंड, अ टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन एंड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर यानी कि मन का मानचित्रण संबंधित है किससे मन का चित्र बनाने से मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से और साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से तो कौन इसका राइट आंसर होगा चलिए जल्दी से बताएं इसका राइट right आंसर जैसे कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है कि हमें क्या करनी है समझ बढ़ानी है तो ऐसी टेक्निक जो समझ बढ़ाने में हमारी हेल्प करे ठीक दैट इज माइंड मैपिंग जैसे माइंड मैपिंग का मतलब देखिए आप लोगों को ऑलरेडी काफी लोगों को पता होगा कि जैसे मैंने बच्चे को कुछ समझाना है तो मैं उसको विजुअल एड्स का यूज करूं उसको मैं पिक्चर्स दिखाऊं ठीक उसको मैं मैप्स बनाऊं ठीक उसको मैं uh, Uh, जिसको कह सकते हैं कि uh, ट्री बनाऊं किस चीज का ठीक तो ऐसे की उसके दिमाग में चीज बिठा दी जाए दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा कि अ टेक्निक टू एनहैंस कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसको कहा जाता है माइंड मैपिंग बहुत ही बढ़िया मान का मानचित्रण जो है बोध समझ के बनाने की तेकनीक है ठीक तो ये था हमारा आज का सेशन और अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे आप लोग कि आपका स्कोर कितना रहा है मुझे लगता है टेन आउट ऑफ टेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहा होगा ठीक तो ऐसे ही हम रोज अपने दस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे अभी स्टार्टिंग में हमारा जो लेवल है थोड़ा ईजी रखा गया है लेकिन धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते चलेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहे और आपको पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कितनी है तो अपना स्कोर जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा है ठीक और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए कल फिर से हम साढ़े पाँच बजे आप लोगों के साथ मिलेंगे ठीक और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो सेशन पे ठीक है और पसंद आए तो लाइक कर दो और अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया जाए तो फटाफट से इसको शेयर भी कर दें और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और मिलेंगे अपने अगले सेशन में थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय